बसमिल रहीम वालेकुम आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नथिया गली डियर स्टूडेंट्स हमारा यूनिट चल रहा है मार्फालोजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद जो यूनिट स्टार्ट किया या आर्गन ऑफ प्लांट को स्टार्ट किया वो था रूट हमने रूट में जर्नल करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ रूट देन डिफरेंट ज़ोन्स ऑफ रूट जिसमें रीजन ऑफ रूट कैप रीजन ऑफ सेल डिवीजन रीजन ऑफ रूट हीयर्स रीजन ऑफ मेचोरेशन को लास्ट टाइम डिस्कस किया आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रूट्स देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ रूट्स नंबर वन टेप रूट नंबर टू एडवेंटिशियस रूट हमारे पास टेप रूट एड एडवेंटिशियस रूट मेजर टू टाइप ऑफ रूट्स हैं पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टेप रूट एंड देन वी डिस्कस एडवेंटिशियस रूट सबसे पहले हमारे पास टैप रूट द रूट विच डिवेलप्ड फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ये बात आपने याद रखनी है टेप रूट आर ट्रू रूट इज दैट रूट विच डिवेलप्ड फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन जब सीड जर्मिनेट हो तो उसमें मेजरली वो रूट्स जो के रेडिकल से ओरिजिनेट हों रेडिकल से डेवलप्ड हों ऐसी रूट को कहा जाएगा टेप रूट आर ट्रू रूट द मेन रूट विच डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द रेडिकल इज नोन एज प्राइमरी रूट जो मेन रूट होगी हमारे पास ये जो मेन रूट होगी इस मेन रूट को कहा जाएगा प्राइमरी टेप रूट जबकि ब्रांच ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट और जब इस प्राइमरी रूट से जो फर्स्ट ऑर्डर ब्रांचेस ओरिजिनेट होंगी इन ब्रांचेस को कहा जाएगा सेकेंडरी रूट्स एंड देन दी ब्रांचेज ऑफ सेकेंडरी रूट आर नोन एजर्शरी रूट अब टर्शरी रूट्स क्या हैं कि जब सेकेंड्री ब्रांच फर्दर जो हैं वो इवाल्ड हो इन टू मल्टीपल ब्रांच तो इस नेटवर्क को कहा जाएगा रूट्स अब हमारे पास ये जो मेन रूट होगी दैट इज़ प्राइमरी प्राइमरी से जो ब्रांच निकलेगी उसका नाम होगा हमारे पास प्राइमरी से जो रूट निकलेगी उसका नाम होगा हमारे पास सेकेंडरी और सेकेंडरी से जो ब्रांच निकलेगी उस ब्रांच का नाम होगा टर्शरी रूट दे आर फॉर टेप रूट हैविंग अ कम्पलेक्स सिस्टम ऑफ रूट विच इंक्लूड्स प्राइमरी मेन रूट and its branch second root and then its multiple branches are known as tertiary root main branch along with its branches form tap root system ab hamare paas ye jo pure ka pura main branch plus iske sath jo पूरे का पूरा network है ब्रांच सिस्टम का उसे कहा जाएगा टेप रूट ब्रांच टेप रूट सिस्टम फॉर एग्जाम्पल टेप रूट इज कॉमनली प्रेजेंट इन मस्टर्ड ब्रासिका, सनफ्लावर यानी हेलियंथिस एंड मोस्ट ऑफ द डाइकाट प्लांट्स, स्पेशली इन पेरिनियल डाइकाट प्लांट्स द टेप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट अब हमारे पास ये जो टैप रूट है ये कॉमनली डाई प्लांट्स और मोस्टली पेरिनियल डाइकारिडियस प्लांट्स का करेक्टर है टैप रूट नॉर्मली ग्रो वर्टिकली डाउन टू लेसर आर ग्रेटर डेप्थ हमारे पास जो टैप रूट है ये आपके पास डीप रूटेड होंगी यानी कि ये टू डाउन वर्टिकली मूव करेंगी आपके पास इधर मोर आर लेस जो है वो आपके पास ग्रोथ के साथ अब हमारे पास सेकेंडरी एंड टर् रूट्स ग्रो इन्वर्टेडली आर इन ओब्लिक डाउन आर सम ग्रो समीजेंटल आउटवर्ड्स इसमें आपके पास दोनों तरह की ग्रोथ हो सकती है या तो टूवर्ड्स डाउन और या तो हरीजेंटल साइल सरफेस आर लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस्ड इन सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब है कि ओल्डेस्ट ब्रांच जो होगी वो आपके पास बेस पे होगी और यंगेस्ट जो है वो आपके पास एट द एंड होगी नियर टू एपिक्स होगी तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ओल्डेस्ट ब्रांच जो है रेसी टाइप होगी कि ओल्डेस्ट बॉटम पे होगी और यंगेस्ट जो है वो आपके पास एपिक्स पे होगी टेप रूट में अब टेप रूट के बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है एडवेंटिशियस रूट एडवेंटिशियस रूट की कॉमन एग्जाम्पल है फाइबरिस रूट आप ये डायग्राम देख सकते हैं रूट डिवेलप्ड फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट कोई भी रूट ऐसी जो कि सवाए रेडिकल के किसी भी पार्ट से निकले इट मे बी अराइज फ्राम राइजोम इट मे बी अराइज फ्राम नोड्स इट मे बी अराइज फ्राम स्टेम इट मे बी अराइज फ्राम कॉम इट मे बी अराइज फ्राम बल्ब किसी भी जगह से जब रूट निकले अदर देन रेडिकल ऐसी रूट को कहा जाएगा एडवेंटिशियस रूट अब ये आपके पास स्टेम नोड लीव्स किसी भी पॉइंट से ओरिजिनेट हो सकती है ऐसी रूट को जो कि स्टेम नोड लीव्स जहाँ से भी हो अदर देन रेडिकल इसको कहा जाएगा एडवेंटिशियस रूट दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉमनली प्रेजेंट इन मानोकार्ड प्लांट्स मानोकाटरीडन प्लांट्स जो होंगे उनमें कॉमनली जो है वो एडवेंटिशियस रूट होगी इनमें इनिशियली रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से टैप रूट ऑरिजीनेट होगी बट दिस टैप रूट विल बी शॉर्ट लाइफ एंड रिप्लेसड बाई एडवेंटिशियस रूट अब हमारे पास इसमें कॉमन एग्जाम्पल है मेज व्हीट शुगर कैन एक्सेट्रा जिसमें जो है वो आपके पास एडवेंटिशियस रूट एराइज होंगी जैसे मैंने पहले कहा कि एडवेंटिशियस रूट कॉमन एग्जाम्पल है या कॉमनली नोन एज फाइबरस रूट सिस्टम क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपके पास कंप्लीट फाइब्रिस स्ट्रक्चर है और ऐसी रूट्स जो हैं ये आपके पास अराउंड प्लांट ऑन द टॉप ऑफ साइल सरफेस या अपना नेटवर्क ग्रो करेंगी और इनकी जो है वो लेटरल ग्रोथ ज़्यादा होगी इलांगेशन कम होगी इसलिए ये डेप्थ ऑफ साइल में कम पेनिट्रेट करेंगी तो याद रखना है टेप रूट में पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी जबकि फाइब्रस रूट्स जो हैं उनकी हरीजेंटल ग्रोथ लेटरल ग्रोथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू टेप रूट अब यहाँ तक तो थी मेजर टू टाइप्स ऑफ रूट अब नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास रूट मॉडिफिकेशन। रूट मॉडिफिकेशन में हम दो तरह की दोनों तरह की रूट्स की मॉडिफिकेशन की बात करेंगे जिसमें टेप रूट मॉडिफिकेशन एंड एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। अब टेप रूट मॉडिफाई फॉर सेक ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड एंड फॉर रिस्पायरेशन वाइल एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड फॉर सपोर्ट एंड स्पेशली फॉर स्पेशल फंक्शंस तो अब हमारे पास टेप रूट और एडवेंटिशियस रूट में जो कॉमन मोडिफिकेशन है वो है आपके पास फॉर स्टोरेज ऑफ फूड जबकि टेप रूट स्पेसिफिकली फॉर रिस्पायरेशन मोडिफिकेशन एंड देन एडवेंटिशियस रूट फॉर सपोर्ट एंड स्पेशल फंक्शंस अब मोडिफिकेशन ऑफ टेप रूट नंबर वन स्टोरेज ऑफ फूड अब टेप रूट हमारे पास मोडिफाई होगी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड जैसे आप देख सकते हैं रेडिश बीट रूट कैरेट ये आपके पास टेप रूट्स हैं बट दे आर मोडिफाइड एंड बिकम फ्लैशी एंड स्वेलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड तो इनमें जो प्राइमरी रूट थी रेडिश बीट रूट एंड कैरेट में तो ये फ्लैशी बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड इन पे सेकेंडरी रूट्स रिमेन थिन जो स्टोरेज होगी वो बेसिकली प्राइमरी रूट में होगी देन सेकेंडरी रूट्स जो हैं वो स्टिल थिन होंगी इनका हाइपोकोटाइल यानी कि एम्ब्रियनिक रीजन बिटवीन काटिलीडन एंड रेडिकल इज आल्सो ज्वाइन इन स्टोरेज ऑफ फूड जो इनका हाइपोकोटाइल रीजन होगा वो भी आपके पास ज्वाइन करेगा यानी वहां पे भी स्टोरेज ऑफ फूड होगी स्टेम इज रिड्यूस्ड अब ऐसे केस में आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास रूट बीट रूट है तो इस रूट बीट में हमारे पास जो स्टेम रीजन है वो जस्ट ये इसी तरह रेडिश में जो हमारे पास है वो ये रीजन है जस्ट ओनली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड सॉरी स्टेम इसी तरह कैरेट में हमारे पास जो है जस्ट ये रीजन जिसको आप काट के फेंक देते हैं वो रीजन होता है जस्ट स्टेम तो इनका स्टेम जो है वो आपके पास रिड्यूस्ड होगा डिस्क्वाइड यानी शेप होगा इन एंड बी आर लीव्स ये जो ऊपर लीव्स हैं इन लीव्स को कहा जाएगा रेडिकल लीव्स और ये रूट और रेडिकल लीव्स के दरमियान जो स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी उसे कहा जाएगा डिस्कवाइड रिड्यूस्ड स्टेम इनके साथ दो प्लांट्स विच स्टोर देअर फूड इन रूट इन फॉर्म ऑफ टेप रूट अब हमारे पास ये जो स्वेलिंग होगी तो स्वेलिंग की वजह से डिफरेंट शेप्स एक्वायर्ड होंगी वो डिफरेंट शेप्स की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स हैं इनमें थ्री टाइप ऑफ रूट्स आप टेप रूट में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ड्यू टू दफ फूड अब हमारे पास ये जो तीन शेप्स होंगी इनमें नंबर वन फ्यूजी फॉर्म नंबर टू कॉनिकल रूट एंड नंबर थ्री नेपी फॉर्म रूट सबसे पहले फ्यूजी फार्म रूट इन विच स्वेलन इन दिडल वो रूट जिसमें स्वेलन जो है वो आपके पास मिडल में हो स्वेलन जो है वो आपके पास मिडिल में हो और एंड टेपर टूवर्ड्स बेस एंड एपिक्स और जो बेस और एपिक्स हैं उस केस में हमारे पास जो है वो क्या हो इनकी नेरो पोजिशनों ऐसी सूरत को कहा जाएगा हमारे पास फ्यूजीफाम जैसे आप रेडिश में देखें जिसका बोटेनिकल नाम है रेफेन, रेफेनस स्टाइवस तो इसमें देखें तो इसका जो सेंट्रल पोर्शन है यानी कि मिडल पार्ट है वो आपके पास स्वेलन है जबकि इसकी जो एंडिंग पोजीशन है टूवर्ड्स बेस और टूवर्ड्स इसका एपिक्स दोनों तरफ से ये टेपिड यानी नेरो हैं ऐसी सूरत को कहा जाएगा फ्यूजी फांग, फ्यूजी फ्यूजीफाम नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है कॉनिकल रूट कॉनिकल रूट में हमारे पास कॉमन एग्जांपल है कैरेट की जिसका बुटेनिकल नाम है ड्यूकस कैरोटा अब इसमें सिंपल नाम बता रहा है कि कॉनिकल शेप होगी कि स्टोरेज रूट विच इज ब्रॉडर देन एट इट्स बेस एंड ग्रेजुअली टेप टुवर्ड्स टूवर्ड्स एपिक्स अब आप कैरेट को देखें तो कैरेट कॉन्टीन्यूसली इस तरह कॉनिकल फॉर्म में है कि इसकी बेस जो है वो ब्रॉडर है जबकि इसकी एपिक्स कॉन्टीन्यूसली मूव इसकी जो है, है वर्थ है वो कॉन्टीन्यूसली रही है टूवर्ड्स एपिक्स तो ऐसी सूरत को कहा जाएगा ऐसी शेप ऑफ रू, टेप रूट को कहा जाएगा कॉनिकल रूट तीसरे नंबर पे हमारे पास है फॉर्म रूट नेपी फॉर्म रूट जो है दी स्टोरेज रूट विच इज मच स्वेलन आलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप अब आप यहाँ पर देखें तो आलमोस्ट स्पेरिकल शेप है एंड एब्रपली टेपेड एराउंड इट्स एपेक्स और अब आप देखें तो इसमें यह सेंटर से आलमोस्ट इतना स्वेलन है लाइक अबाल लाइक जो है वो स्फेरिकल शेप है लेपिन लेकिन एपिक्स पे आप देखें तो ये नेरो हो चुकी है ये आपके पास जो है वो टेपिड हो चुकी है शार्प पॉइंटेड हो चुकी है तो ऐसी को कहा जाएगा नेपी फार्म, और इसकी कामन है बीट यानी चिकंदर जिसका बोटेनिकल नाम है बीटा वेलगेरिस तो ये आपके पास थ्री टाइप्स थी ऑफ टेप रूट शेप ऑन बेसिस ऑफ मोडिफिकेशन नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास मोडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फार रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन केस में जो हमारे पास टैप रूट हैं उन में मोडिफिकेशन फार सेक ऑफ रिस्पायरेशन क्या है तो सबसे पहली बात तो याद रखें कि ऐसी रूट्स जो कि रिस्पायरेशन यानी गैशियस एक्सचेंज में इन्वाल्ड हों ऐसी रूट्स को कहा जाता है नीमेटोफोर्स ऐसे प्लांट्स जो कि सेलाइन कंडीशन मार्शी या मोस्टली हेलोफाइट्स प्लांट्स जो होंगे इन हेलोफाइट्स प्लांट्स द रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेशियस एक्सचेंज एंड दिस टाइप ऑफ रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पायरेशन यानी गैशियस एक्सचेंज नोन एज नीमेटो तो सिंपली जो हेलोफाइट्स हैं इनके रूट्स आप देखें तो ये नेगेट जो हैं वो आपके पास नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं ये जमीन से बाहर आ रही हैं ये आप देखें तो ये जमीन से बाहर आ रही हैं फॉर गैशियस एक्सचेंज फॉर रिस्पायरेशन तो ऐसी रूट्स को कहा जाता है निमेटो फोर्स अब ये जो रूट्स हैं ये आपके पास बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर गैशियस एक्सचेंज क्योंकि इन प्लांट्स में जो आपके पास लीव्स हैं उनका स्टोमेटा मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो क्लोज रहता है तो क्योंकि यहाँ पे हेलोफिटिक कंडीशन में सेलाइन कंडीशन में फिजोलॉजिकल ड्राउट ऑफ वाटर होता है यानी फिज, फिजोलॉजिकल डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है फिजोलॉजिकल ड्राउट है तो फॉर सेक ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर टमेटा रिमेन्स क्लोज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फॉर गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू दीज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स और ये आप देखें तो इनकी कॉनिकल टाइप ऑफ स्पाइक्स बनी हुई हैं आउट ऑफ वाटर इसलिए ये आपके पास कॉनिकल स्पाइक की फॉर्म में होंगी, ये आपके पास लार्जर नंबर और इनके ऊपर जो गैशियस एक्सचेंज के लिए पोर्स होंगे वो लेंटिकल पोर्स होंगे टिकल पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज यानी फॉर रिस्पाइवरेशन कॉमन एग्जाम्पल में जो प्लांट्स हैं उनमें राइजोफोरा एविनियाटा फिर उसके बाद हेरीटेरिया ये आपके पास वो प्लांट्स हैं जिनमें रूट्स आर टेप रूट्स आर मोडिफाइड फॉर रिस्पाइवरेशन नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास मोडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट हैं इनशा लजीज़ जिसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में होपफुली आपने यहाँ तक लर्न किया होगा फिर भी अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो इनशा लजीज़ पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा थैंक्स यू वेरी मच